आई एम जोसेफ फर्नांडिस वर्किंग इन अ कॉल सेंटर। मेरा सवाल आपसे ये है कि मुझे कई दोस्त मिले जिनमें से कुछ सिया है और कुछ सुन्नी। जैसे आपने कुछ देर पहले बताया कि जो इंसान मानता है कि अल्लाह एक है और मोहम्मद अलैहिस्सलाम आखिरी पैगंबर हैं, तो मैं मानता हूं इस बात को। तो अगर मैं ये कहूं कि मैं मुसलमान हूं तो ये झूठ नहीं है, लेकिन मुसलमान बनने के बाद एक नमाज पढ़ना बहुत जरूरी होता है और कुछ तरीके हैं जो दोनों ही दोस्तों ने मुझे बताए, लेकिन उनके तरीके अलग अलग हैं। तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि किसका तरीका मैं अपनाऊं, क्योंकि दोनों ही अपने तरीकों को सही समझ सके। भाई साहब ने सवाल किया कि अगर अल्लाह एक है उसमें मानना है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर है तो मैं मानता हूं, तो उस तरीके से मुसलमान हूं मैं, लेकिन मेरे दो दोस्त एक शिया एक सुन्नी, और मुसलमान बनने के लिए नमाज पढ़ना जरूरी है, तो किस तरीके से नमाज पढ़ूं? भाई साहब आप कहते हैं कि अल्लाह एक है, आप मानते हैं कि अल्लाह के पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, तो आपने कहा कि किस तरीके से नमाज पढ़ूं। ये शिया सुन्नी जो आपने पूछा, आप जब कुरान पढ़ेंगे कुरान में ना शिया है ना सुन्नी है, कुरान में ना शिया है ना सुन्नी है। कुरान शरीफ में कहा गया है सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 103 में वातसीमु बिहब्लिल्लाह जमीअ वला तफरकु, कि आप आपस में इकट्ठा होकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो। अल्लाह की रस्सी है कुरान और सही हदीस। तो आप देखिए कुरान में क्या लिखा है और अल्लाह के रसूल के सही हदीस में क्या लिखा है। तो जो भी आपसे कुछ कहता है अगर कुरान और सही हदीस के मुताबिक है आप उसकी बात मानो। जो जाकिर कहता है वो भी कुछ अहम नहीं इस्लाम में, जाकिर इस्लाम में जीरो है। जो जाकिर कहता है वो बात मानना जरूरी नहीं, लेकिन जब मैं कुरान का हवाला दिया तो आपको कुरान की बात मानना फर्ज है, जब मैं सही हदीस का हवाला दिया तो आपको सही हदीस की बात मानना जरूरी है। तो इसीलिए कोई भी शख्स कुछ कहता है अगर इख्तिलाफ है उसमें तो फिर से रुजू हो जाओ कुरान और हदीस के पास, क्योंकि कुरान में लिखा है सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 59 में वर्स नंबर 59 में अतीउल्लाह वाती रसूल, अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह की बात मानो और अल्लाह के रसूल की बात मानो। और वो लोग दोज़ हैव बीन चार्ज्ड विद अथॉरिटी, जो उलुल अम्र है, वो लोग जो आपके अमीर है। लेकिन अगर इनमें इख्तिलाफ है फिर से रुजू हो कुरान और हदीस के पास, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के पास। तो अगर दो शख्स दो आलिम कोई भी अगर इख्तिलाफ है आप फिर से मुड़ो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के पास, कुरान और सही हदीस के पास, फिर देखो कि कौन सा दोस्त कौन सा मुस्लिम कौन सा आलिम कौन सा मौलाना कुरान और सही हदीस के मुताबिक कह रहा है। आप समझे, तो इससे पता चलेगा कि क्या सही है। आप बोलते हैं कि नमाज पढ़ने के तरीके में इख्तिलाफ है, शुरू में कम से कम जो यक्सा है वो तो शुरू करो, इख्तिलाफ बहुत थोड़ा है। नमाज के तरीके में इख्तिलाफ बहुत थोड़ा है, जो यक्सा है वो तो शुरू करो। अगर आप मुसलमान बनना चाहते हैं तो इतना वक्त क्यों ले रहे, खाली नाम के मुसलमान होना जरूरी नहीं है, वो कोई फायदा नहीं। अमली तौर पे मानो कि अल्लाह एक है, उसकी इबादत करो और आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान लाओ, और उसके बाद फिर तहकीक करो आपके दो दोस्त लोग जो बोल रहे कुरान से कौन मैच करता है, सही हदीस से कौन मैच करता है। क्योंकि अल्लाह के रसूल फरमाते सही बुखारी की हदीस से, उस तरीके से नमाज पढ़ो जिस तरीके से आपने मुझे देखा। तो जो सही हदीस से साबित है कुरान और सही हदीस से, उस तरीके से नमाज पढ़ो। लेकिन अगर 19-20 फर्क है कम से कम जो यक्सा है वो तो शुरू करो, इख्तिलाफी बातों पे तहकीक करो, इंशाल्लाह पता लग जाएगा आपको क्या सही है। तो इंशाल्लाह अभी आप सिर्फ नाम के मुसलमान मत न हो, अमली तौर के ऊपर मानो कि अल्लाह एक है और अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। थैंक यू सर।